चोटिल शाहरुख लौटे मन्नत। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान के अमेरिका में घायल होने की खबर ने उनके शुभचिंतकों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जवान फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें शूटिंग के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान घायल हुए। कहा जा रहा था कि खून रोकने के लिए किंग खान की माइनर सर्जरी भी हुई है। इस बीच जब यह खबर आई कि शाहरुख खान स्वदेश लौट रहे हैं, तो उनके फैंस के जान में जान आई। चोट लगने के बाद पहली बार शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए, जिसमें वे ठीक ठाक चल रहे थे। शाहरुख को इस तरह से देखकर उनके फैंस को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। एयरपोर्ट पर शाहरुख खान ने नीले रंग की स्वेट शर्ट, नीले रंग की ही डेनिम जीन्स और काले रंग की टोपी पहन रखी थी। उनकी नाक पर कोई पट्टी नहीं दिख रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा था कि उनके नाक पर चोट लगी है और खून रोकने के लिए माइनर सर्जरी भी की गई है। बताया जाता है कि यूएस में बनने वाली इस फिल्म में साउथ इंडियन हीरोइन नयनतारा भी काम कर रही हैं। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। शाहरुख के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि सलमान के साथ बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म टाइगर वर्सेस पठान में भी दोनों सुपरस्टार एक साथ काम करते दिखेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के निर्देशक राजकुमार हिरवानी की फिल्म डंकी में भी शाहरुख नजर आएंगे। फिलहाल शाहरुख खान इस समय मुंबई के अपने बंगला मन्नत में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं। देखते रहिए अमेज़ नाउ।